नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आप देख रहे हैं स्कैन एग्रो न्यूज़। मेरा नाम है संजय। तो आप सभी के लिए हम आज लेके आए BCS का रिपर बाइंडर मशीन, जो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किसानों के काम आ रहा है। तो इसकी सारी जानकारी हम यहाँ पर सर से लेने वाले हैं, इसका पूरा रिव्यू करेंगे, सारा स्पेसिफिकेशन और इसकी डिटेल आपके सामने शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। ऐसी खास वीडियो देखने के लिए हम आपके लिए हर रोज लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम सर से इसका पूरा डिटेल जानते हैं। सर, पहले आप अपना कंपनी का एड्रेस बताइए, जहाँ से किसान भाई इसको खरीद सकते हैं। हम, मेरा नाम हंसराज नायक है, चित्तौड़गढ़ से। जी सर, काबरा इंजीनियरिंग वर्क फर्म का नाम है। जी जी, चित्तौड़गढ़ में इसकी डीलरशिप ले है। जी, तो सर अपनी मशीन के बारे में आप विस्तार से किसानों को बताइए कि कितना HP का इसमें इंजन लगा हुआ है। सर, इसमें 10.5 HP का इंजन है और 3000 RPM है इसके। अच्छा, 3000। 4 फीट की कटिंग के साथ। अच्छा, इसका जो करता है कटर बार है वो 4 फीट का है। 4 फीट का है। तो सर इसकी डिटेल आप बिल्कुल बारीकी से बताइए, कहाँ पर है इसका कटर बार। ये कटर बार है, 4 फीट की चौड़ाई से चलता है इसका। जी सर, ये कटर बार है, कटाई के साथ में बंधाई भी होती है इसके। अच्छा, रिपर बाइंडर दोनों है। धागा कौन सा लगता है? और धागा प्लास्टिक वाला भी चला सकते हैं वैसे, और जूट वाला भी चलता है। अच्छा, जूट वाला दोनों चलता है। तो सर इसमें टायर की साइज बताइए आप, टायर कौन से लगे हुए हैं? आगे वाले 616 के लगे, पीछे 4-12 के लगे। अच्छा, आगे वाले 616 है और पीछे 4-12 के लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो इंजन है, यहाँ पर इसका ये 10.5 HP का इंजन है, ग्रीवियस इंजन कॉटेज का। यहाँ पर इसकी डिटेल सारी है, आप किसान भाई यहाँ से अच्छे से इसकी डिटेल देख सकते हैं सारी। और ये सर मैनुअल स्टार्ट है या सेल्फ स्टार्ट है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये दोनों, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो तो मैनुअल भी हो सकता है और सेल्फ भी है। अच्छा, दोनों हो सकता है, दोनों सिस्टम है इसमें। अगर किसान भाई इसको रात में काम करे तो उसके लिए क्या है इसके अंदर? ये सारी सुविधा है, लाइट वगैरह है। अच्छा, सारी लाइटिंग वगैरह है, कम्प्लीट है। पावर स्टार्ट है, ऊपर नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें। अच्छा, तो सर इसका बारीकी से सारा सिस्टम एक बार आप चला के इसको दिखाइए और कैसे ऑपरेट होता है वो इसकी जानकारी दीजिए इसके अंदर। कहाँ? जी, अब इसका सारा सिस्टम बताइए कैसे। ये यहाँ पर इसका एक्सीलेटर है, बंद करने के लिए। अच्छा, वो उसको इंजन स्टॉप करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम। अच्छा, ये इसको ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ सर, चार गियर आगे और एक ब्रेक। अच्छा, चार फॉरवर्ड है, एक रियर गियर है इसके साथ। और यहाँ पर क्या है और इसके RPM में? RPM घंटा। अच्छा, इसके हावर मीटर लगा हुआ है। ये इसका स्टार्ट है, ये लाइटिंग का है। बाकी और इसके अंदर क्या क्या है सर, थोड़ा इसको चला के बताइए आप। किसान भाइयों, तो इसको देखिए किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। जो ऑपरेटर है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो में हम दिखाएंगे। BCS का रिपर बाइंडर है, ये टॉप वाला मॉडल है। इससे दो मॉडल और नीचे आते हैं, एक थ्री व्हील वाला आता है और एक ट्रैक्टर से ऑपरेट वाला आता है। और इनके ऊपर 50% सब्सिडी भी अवेलेबल है, वो सारी जानकारी वीडियो के अंदर हम लेंगे। दिन में अगर पूरे दिन आपको इसको चलाएंगे तो भी थकान नहीं आएगी। इसको ट्रैक्टर की तरह डिजाइन किया हुआ है, ट्रैक्टर की तरह इसके स्टीयरिंग सीट, दोनों ब्रेक और क्लच बनाए हुए हैं और ऊपर हुड भी बनाए हुए हैं, कैनोपी लगा रखा है ताकि आपको धूप नहीं लगे। और देखिए इसको बेल्ट को लगाने के बाद आगे का जो रिपर बाइंडर है इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। इस तरह से बेल्ट लगाना है और फिर इसको ऑपरेट करना है। तो ये फसल को 4 इंच ऊपर से कटाई कर देगा और बहुत ही अच्छी तरह से इसका बंडल बना देगा। अब बहुत से कमेंट करेंगे कि ये अच्छा नहीं चलता है, इसके बंडल बिखर जाते हैं या थ्रेसिंग में दिक्कत आती है। तो इसमें दो तरह के धागे आते हैं, प्लास्टिक वाले और जूट वाले। अगर थ्रेसर में दिक्कत आती है तो आप जूट वाले से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बेल्ट लगा दिया है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है ताकि जो किसान ट्रैक्टर चलाते हैं उसको उसी तरह से चला सकें और आसानी से ड्राइविंग करें। पूरे दिन आप गेहूँ की कटाई करेंगे तो आपको थकान कम से कम महसूस हो। और डीजल का एवरेज बहुत अच्छा है। तो सारी जानकारी सर से इस वीडियो में लेने वाले हैं। और चलते हुए देखिए इसके जो कटर बार हैं और जो बाइंडर के लिए हैं वो इस तरह से ऑपरेट होते हैं। अगर आपके पास ऐसा रिपर बाइंडर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं किस तरह से काम करता है।
अच्छे एलईडी लैंप दिए हुए हैं और इसको बहुत ही अच्छी हैवी ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है ताकि किसानों के लिए लॉन्ग लाइफ तक इसका यूज़ ले सकें। और इसके स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखिए जो ऑपरेटर हैं आपको इस तरह से ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। इसमें चार फॉरवर्ड है, एक रिवर्स गियर है और सेल्फ स्टार्ट है और हाथ से स्टार्ट यानी मैनुअल स्टार्ट भी है। और इसके अंदर ऊपर नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है जिससे इसको ऊपर नीचे उठाया जाता है। तो चलिए और सर से पूरी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो किसान भाइयों, आपने देखा किस तरह से इसको ऑपरेट किया जाता है। अब सर से हम जानेंगे, सर इसके अंदर अगर मान लो किसानों को कोई फॉल्ट आ जाते हैं तो इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ पर मिलेंगे? स्पेयर पार्ट सारे इसको चित्तौड़गढ़ मिल जाएंगे, सारे आपके काबरा एजेंसी पे सारे मिल जाएंगे। और इसके अंदर सर बताइए एक घंटे का क्या एवरेज है, कितना गेहूं की कटाई कर देता है ये? लगभग एक एकड़ कटिंग करती है और डीजल खपत एक लीटर है। अच्छा, एक लीटर में एक एकड़ के गेहूं काट के बांध देता है और इसको एक आदमी आसानी से चला सकता है। बिल्कुल। और इसके जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बोतल होल्डर कंपनी के हैं और बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है। बैटरी यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा का बैटरी लगा हुआ है और स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी होती है। और इससे गेहूं की फसल और कौन कौन सी फसल काट सकते हैं सर इस मशीन से? गेहूं, जवार, बाजरा। अच्छा, इसमें केले में अटैचमेंट अलग लगाते हैं। सोयाबीन में अगर इसके रिपर लगाना चाहते हैं तो रिपर लगा। अच्छा, सोयाबीन के अंदर रिपर लगा के भी काट सकते हैं हम। और स्पेशल गेहूं के लिए सबसे अच्छा मशीन है ये। बिल्कुल। और दोस्तों अगर इसकी कीमत अगर आप जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपको दिख रहे हैं सामने उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और कॉल करने का समय है 10 से शाम को 5 बजे के बीच कॉल करें, बाकी डिस्टर्ब नहीं करें। और इनके जो सारे पार्ट्स लगे हुए हैं बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी के और जेन्युइन लगे हुए हैं। और इस मशीन की गारंटी के बारे में थोड़ा बताइए, कितने साल की या कितने महीने की गारंटी कंपनी देती है? इसकी इंजन की 2 साल की गारंटी है। अच्छा, इंजन की 2 साल की गारंटी है और बाकी ऑल ओवर मशीन की? मशीन की टूट फूट की कोई गारंटी नहीं, बाकी जैसे टेक्निकल मिस्टेक होती है। अच्छा, और टेक्निकल कोई भी मिस्टेक हो तो कंपनी द्वारा वापस चेंज करके ठीक करके दे देंगे। बाकी इसमें जो भी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन है। काफ़ी किसान इसको यूज़ कर रहे हैं और उनको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि कभी इसके अंदर कोई टूट फूट आ जाए या इसमें ऐसे कोई पार्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल नहीं हो। आप जहाँ से मशीन खरीदेंगे वहाँ पर इसके सारे पार्ट्स आपको ओरिजिनल और वाजिब रेट में मिल जाएंगे। तो एक बार कॉल करके आप ज़रूर उनसे पूछ लें कि हमें किस तरह से आपका मशीन चाहिए। और यहाँ पर अगर आपको धागा चाहिए तो धागा भी मिल जाएगा, जो आप बंडल बनाने के लिए धागा चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर रात में आप काम करेंगे तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे लाइटिंग का फीचर दिया हुआ है, सेल्फ स्टार्ट है। अगर सेल्फ काम नहीं करता तो मैनुअल भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें हैवी ड्यूटी इंजन लगा हुआ है जो आपको अच्छे RPM पे और कम समय में अधिक काम करके देगा। इसके टायर भी बहुत अच्छे हैं, कंपनी के ब्रांडेड टायर हैं और इसके 4-व्हील ड्राइव है। आपको चलाने में काफ़ी सुविधा होगी। अगर जो किसान भाई इसका यूज़ करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसको यूज़ करने पे आपको कैसा लगा। BCS का रिपर बाइंडर मशीन है, बहुत ही अच्छा और किसानों के लिए काफ़ी मददगार सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर काबरा इंजीनियरिंग वर्क्स पे आपको ये मशीन मिल जाएगी। आपके जो नंबर हैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे, तो आप इसकी ज़रूर जानकारी लें वहाँ से और ख़रीदने के लिए आप कॉल कर सकते हैं और एक बार यहाँ पर आकर विजिट करें। बहुत सी मशीनें हैं इनके ऊपर। और सर एक बार हम जानना चाहते हैं कि इस मशीन के ऊपर कोई सब्सिडी का प्रावधान है गवर्नमेंट का? इसमें गवर्नमेंट का है ना 2.5 लाख की सब्सिडी। अच्छा, 4 व्हील के ऊपर और 3 व्हील लेते हैं तो उस पर। अच्छा, 4 व्हील का 2.5 लाख की सब्सिडी है और 3 व्हील के ऊपर 1.75 का सब्सिडी है। ट्रैक्टर मॉडल पे 1 लाख की सब्सिडी और जो ट्रैक्टर मॉडल पे रिपर बाइंडर है उसका 1 लाख का सब्सिडी है।